अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू सुकैना अली। होप यू ऑल आर फाइन गाइस। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से जो है राइस वाटर को आप अपने हेयर केयर रूटीन में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ और देखते हैं किस तरह से जो है राइस वाटर हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। सब किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके रख लीजिए। अब इसको मैं एक दफ़ा वॉश करूँगी अच्छी तरह, फिर इसको पूरी रात के लिए भीगे रहने दूँगी। इसी में पानी भर के इसको एयर टाइट करके किसी भी आप नॉर्मली आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, या एक चाहें तो किसी कैबिनेट में रख दें तो ज़्यादा इसका बेटर रिजल्ट आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी भर लिया है। अब इसको मैं पूरी रात के लिए भीगे रहने दूँगी। सो गाइज, राइस वाटर को जो है मैं कन्वर्ट कर चुकी हूँ किसी भी स्प्रे बॉटल में, जो भी खाली हो जाए। अब हम इसको अप्लाई करेंगी। इसको थोड़ा थोड़ा लेके रूट्स पे करते जाएंगे और स्लाइडली रब करते जाएंगे, और जो बाकी आपका राइस वाटर बच जाए तो आप जो है उसको अच्छी तरह से अपने लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी से जो राइस वाटर होता है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेयर ग्रोथ के लिए। इसमें विटामिन बी सी एंड ई होता है, और जिन लोगों को जो है डिफरेंट टाइप के स्कैल डिजीज़ होती हैं, जो उनके डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, सर्जरीज हुई भी होती हैं, तो वो राइस वाटर से जो है अपना सर को अच्छी तरह धो सकते हैं। ये जो आपका हीलिंग का प्रोसेस होता है इसको स्पीड अप करता है, और स्पेशली जिन लोगों को डैंड्रफ का इशू है, जो मेन रीज़न होता है हेयर फॉल का। आप में करना कुछ इस तरह से, आप लोगों को जिनको डैंड्रफ का इशू है, राइस वाटर लेना है शैम्पू कंडीशनिंग के बाद जो है आपको इस मेथड को अप्लाई करना है। राइस वाटर लेके इसमें एक चम्मच वैनेगर सिरका ऐड करना है, और अच्छी तरह से इसको जो है जेंटली मसाज देना है अपने स्कैल्प के ऊपर, और तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जो है नॉर्मल टैप वाटर से, मेक श्योर गर्म पानी ना हो, गीज़र का पानी यूज़ मत कीजिएगा, ठंडे पानी से यानी टैप वाटर से जो है अपना सर को अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा। राइस वाटर जो है 80% जो स्टार्च रखता है, जो कि हमारे बालों के लिए नहायत ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है जो कि नॉर्मली हमें पता भी नहीं होता, हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसको यूज़ करें आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन मंथ आप इंस्टेंट रिजल्ट फील करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लिटरली इट वर्क्स। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट DIY के साथ, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।